सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में दिल्ली और पंजाब पुलिस की जांच लगातार चल रही है। पंजाब पुलिस इस मामले में लगातार हरियाणा में छापेमारी कर मामले से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी कर रही है, तो वहीं दिल्ली पुलिस इस हत्याकांड को लेकर गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ कर रही है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में जांच वैसे तो लगातार चल रही है, लेकिन इस जांच का दायरा कभी बढ़कर कनाडा तक पहुंच जाता है तो कभी घटकर हरियाणा और दिल्ली तक ही रह जाता है। पंजाब पुलिस इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए हरियाणा में लगातार छापेमारी कर रही है। SIT ने पहले फतेहाबाद, फिर सोनीपत और अब सिरसा में छापेमारी की है। सिरसा में पंजाब पुलिस की एक टीम ने एक व्यक्ति के घर पर छापेमारी की। उस व्यक्ति पर मूसेवाला की हत्या से पहले रेकी करने का आरोप है। हालांकि छापेमारी के दौरान की गई पूछताछ में पता चला कि व्यक्ति 1.5 साल पहले ही गांव छोड़कर जा चुका था। इससे पहले पंजाब पुलिस ने फतेहाबाद और सोनीपत से कुछ लोगों को गिरफ्तार किया था। हालांकि अब तक इन गिरफ्तारियों से पंजाब पुलिस को कितनी जानकारी मिली है ये साफ नहीं है। पंजाब पुलिस पर अब इस मामले को लेकर दबाव बढ़ता जा रहा है। 29 मई को हुए हत्याकांड में अब तक पंजाब पुलिस की SIT शूटर्स का पता नहीं लगा पाई है। साथ ही अब इस मामले की जाँच केंद्रीय जाँच एजेंसी को सौंपने की मांग भी की जा रही है। बीजेपी नेता और वकील जगजीत सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही इस मामले की जांच CBI से कराए जाने को लेकर याचिका दायर कर दी है। तो शनिवार को मूसेवाला के माता पिता ने भी गृह मंत्री अमित शाह से चंडीगढ़ में मुलाकात कर मामले की जांच को केंद्रीय जांच एजेंसी को सौंपने की मांग की थी। हालांकि पंजाब पुलिस की इस जाँच में देरी का एक कारण लॉरेंस बिश्नोई भी हो सकता है, क्योंकि पंजाब पुलिस को शक है कि मूसेवाला की हत्या की साजिश लॉरेंस बिश्नोई ने ही रची है। लेकिन लॉरेंस बिश्नोई फिलहाल दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है और अब एक आर्म्स एक्ट में दिल्ली पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई की 5 दिन की रिमांड मिल गई है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट को बताया कि लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ में 3 नाम सामने आए हैं, रंजीत, विजय और श्याम सिंह, जिन पर हथियार लाने का आरोप है। जाँच के लिए एक टीम उत्तराखंड गई है। हथियार सप्लायर विजय, जो हरियाणा का है, अभी पकड़ा नहीं गया है। फिलहाल हम सुरक्षा वजहों से बिश्नोई को पंजाब नहीं लेकर जा रहे हैं। बिश्नोई पंजाब से संबंधित जानकारी दे रहा है, जो पंजाब पुलिस से शेयर करके जांच करवाई जा रही है। जी न्यूज के सूत्रों को मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का फोकस सबसे ज्यादा सिद्धू मूसेवाला मर्डर से जुड़ी जानकारियां इकट्ठा करना है। हालांकि यहां भी शूटर्स को लेकर अब तक स्पेशल सेल के पास कोई नाम नहीं है। 5 दिन का पुलिस रिमांड एक्सटेंड करने की एप्लीकेशन लगाई, जिसको हमने अपोज नहीं किया और वो एक्सटेंशन उनको मिल गई है। तो 5 दिन का पुलिस रिमांड एक्सटेंड कर दिया गया इस ग्राउंड पे, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ये बोला है कि हमारे पास 5 दिन का जो टाइम था उस दौरान हम इसको सिर्फ दिल्ली और दिल्ली के NCR में ले जा पाए हैं। अभी हमें बहुत सारे दूसरे डिस्ट्रिक्ट में और दूसरे स्टेट में लेके जाना है, जिसमें गंगानगर, जोधपुर, जयपुर, राजस्थान, पंजाब, फाजिलका, सब जगह। तो उसके लिए हमें 5 दिन का और दिया जाए, तो 5 दिन की पुलिस रिमांड और बढ़ा दी गई है। दिल्ली पुलिस ने खुद बोला कि देखिए, हम अभी इसको पंजाब नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि जैसा वो एक सेंसिटिव एरिया है इसके लिए, और हम पंजाब में इसको नहीं लेके जाना चाहते। देखिए, वो जो कल से न्यूज़ आ रही थी मीडिया में कि सिद्धू मूसेवाले के अंदर में लॉरेंस बिश्नोई ने कबूलनामा कर लिया है कि उसके गैंग ने मारा है, वो बिल्कुल फेक न्यूज़ पाई गई। मूसेवाला की हत्या के मामले में पंजाब पुलिस लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ करना चाहती है, लेकिन जब तक स्पेशल सेल की रिमांड खत्म नहीं होती तब तक पंजाब पुलिस को इंतजार करना होगा। और अब यही पंजाब पुलिस नहीं करना चाहती, क्योंकि अगर मामले में जल्द कोई खुलासा नहीं हुआ तो शायद केस केंद्रीय एजेंसी के पास चला जाएगा। प्रमोद शर्मा और अमित भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।